92% सड़कों पे है, सरकार हमें बांटती है, वर्गीकरण करके विभाजन किया। हम लोगों को जो हमारा हक है, अधिकार, वो नहीं देना, लेकिन ये बताना कि इसका अधिकार वो खा गया। हरियाणा, पंजाब जैसी जगह पे सरकार ने इतना बदतर सलूक किया, फिर वहाँ पे हरियाणा में देखो तो पूरी सरकार बन जाती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कैसे लीड ले गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के तहत हो रही है। कम्युनल राइट्स जो है वो सरकार खुद पैदा करती है, ताकि आप और हम जैसे लोग ईवीएम के बारे में बात ना करें, आप और हम जैसे लोग रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात ना करें, भुखमरी के बारे में बात ना करें। आपको क्या लगता है कि आपको इस सिस्टम में न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस सिस्टम में? जब तक आप लड़ोगे नहीं कि जब जब पेपर बैलेंस से जब चुनाव हुआ होगा तब तक हमारी सरकारें बनी होंगी, तब तक हमारा राज रहा होगा। और आज ईवीएम से चुनाव आया तो चोरों की सरकार आई। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम आपके बीच में बैठी है। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, कैसे बचेगा? आपके सारे सवालों के जवाब कुछ जितना मुझे ज्ञान है और जो मैंने सहा है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली जमीन पे लड़ते हैं, हम वो लोग हैं जो बातें करके नहीं जाते। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब रामपुर से चुनाव लड़ा गया था महमूद प्राता जी द्वारा, तो वो क्यों लड़ा गया था? वो चुनाव इसलिए लड़ा गया था क्योंकि उससे पहले जब जब हम ईवीएम का मुद्दा उठाते थे, बोलते थे, तो वो कहते थे कि आपका सबूत क्या है, किस आधार पे आप अपनी बात रख रहे हो? लेकिन जब चुनाव लड़ा तब तथ्य, सबूत, पूरी वीडियोग्राफी हुई, सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है। सरकारें आपको ये दिखाने के लिए कि ईवीएम 100% सेफ है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस के लोग खुद ऐसी ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डलवाते हैं खुद, ताकि उनके मनुवादी जजेस उन पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ करें, गलत बयानबाजी करके वहां पे जानबूझ के वो बंद करते और दिखाएं कि देखिए उनकी पिटीशन थी और वो रद्द हो गई और ईवीएम 100% सुरक्षित है, सेफ है, ये आपको भ्रमित किया जाता है। प्राचा साहब की पिटीशन वहां पे पड़ी है, सुनवाई होती है और डिटेल में मैं नहीं इस चीज की, आई थिंक प्राचा साहब आपको खुद बताएंगे। इसी चीज के लिए हम लोगों ने ये मुहिम बड़े ईमानदारी से और बड़े दुख से ये छेड़ी है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं इसे लड़ेगा। और इस समय इस पॉइंट में, इस सिचुएशन पे, अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चाहिए, ईमानदार लोगों की सरकार चाहिए, अगर आपको दिल्ली में आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी, अपनी सरकार चाहिए, अपने लोग चाहिए, अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे मरे काटे जाएं, आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहे, आप चाहते हो कि बच्चे बहस धर्मों पे ना करें, बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात हो, इस देश में इन सारे बिंदुओं पे बात की जाए, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा पे बात की जाए, इस देश में भुखमरी पे बात की जाए कि अपने पड़ोसी देश से भी भारत सबसे बदतर हो गया भुखमरी पे, शर्म नहीं आती? मैं आज बात करती हूँ बड़े बड़े उन एनजीओ को जो बड़ा बड़ा फंड लेते हैं, बड़े बड़े वुमेन, महिलाओं की वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, और जब आप सिग्नल पर रेड लाइट पर गाड़ी लगाते हो तो गरीब की बच्चियाँ छोटी छोटी वहाँ भीख मांग रही होती है, वहाँ पे प्रदर्शन करके दिखा रही होती है। ये है हमारे भारत की असलियत, ये है हमारे देश की असलियत, क्योंकि सरकार ठगों के, चोरों के हाथ में है। आप लोग सोचते हो कि जमीन तो हमारी इतनी मजबूत है, जमीन पे तो हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आती है, लोग इतने सारे हमारी रैलियों में होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन वोट जो है वो हमारे लोगों का वोट काउंट क्यों नहीं होता? हरियाणा, पंजाब जैसी जगह पे सरकार ने इतना बदतर सलूक किया, फिर वहाँ पे पंजाब में देखो तो भाजपा का वोट काउंट बढ़ जाता है, हरियाणा में देखो तो पूरी सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कैसे लीड ले गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के तहत हो रही है। और जिन लोगों को ये चीज लग रहा है कि ईवीएम का मसला मेरा क्या करना है, जो पार्टी अभी भी गफलत की नींद में, जिनको इस चीज का अहंकार है कि अरे हम ईवीएम नहीं ठीक है, क्या सड़कों पर जाएंगे, हमारे पीछे तो इतने लोग हैं, जिन पार्टी को ये वहम है कि आप संविधान का नाटक करके, संविधान की किताबें उठाकर सड़कों पर रैलीज निकालोगे और बोलोगे कि हम संविधान बचाने निकलेंगे और दूसरे का वोट काट के अपनी सरकार बना लेंगे, तो आप सब इस देश की अखंडता को, इस देश को कमजोर कर रहे हो। क्योंकि इस चीज से अगर आपको लग रहा है कि भाजपा आपकी संख्या से डरती है, अगर आपको लग रहा है कि आरएसएस आपकी संख्या ज्यादा और आपको जीतने देगी, तो नहीं, वो साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। उसे पता है कि किस तरीके से सत्ता में रहना है, उसे पता है बेईमानी करके
की बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, देखो अभी तक बूथ खुले और वोटिंग हो रही है, ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाती है हवा में। कितनी वीडियोस वायरल होती हैं कि ईवीएम सेफ नहीं है। राजा सर को आपने देखा कि लगातार जिस दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं आप सबको जागरूक करने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी बहनें जितनी भी यहाँ पे बैठी हैं, वो चाहती है कि हम सुरक्षित आधी रात को भी सड़कों पे चले, हम सुरक्षित कभी भी सर उठा के कहीं पे भी निकल सकते हैं, हमें डर ना हो कि कोई हफ्सी आकर हमें अटैक करेगा, खाएगा या हमारे साथ बदसुलूकी करेगा या हमारा अपहरण होगा या किसी गरीब की बहन बच्ची का रेप होगा। तो आप लोगों को ईवीएम की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस कंट्री आर हैपनिंग विद एजेंडा, पॉपुलर प्रोपेगेंडा, सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड जो है वो पैदा करती है, कम्युनल राइट्स जो है वो सरकार खुद पैदा करती है, ताकि आप और हम जैसे लोग ईवीएम के बारे में बात ना करें, आप और हम जैसे लोग रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात ना करें, भुखमरी के बारे में बात ना करें और मुद्दों से भटक जाएं और फिर सरकार के पॉपुलर प्रोपेगेंडा हेट का नैरेटिव चला के और अपनी सरकार बना ले और हम लोग फिर वहां बैठे के बैठे देखते रहे। तो आप मुझे बताएं कि आप सब कितने लोगों के पास युवा खड़े हैं, कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है, कितने लोग और है किसी के पास सरकारी नौकरी है आप में से? नहीं होगी भाई, हमें पता है, क्योंकि हम जैसे जागरूक लोग इन चीजों को उठाते हैं, इन मुद्दों पे बाहर निकलते हैं। कितने लोग 8-8, 9-9 मुकदमे में जेल रही हूँ, हम लोग अदालतों में जाते हैं, इतनी लंबी लंबी डेट मिलती है आपको इस सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि सरकारों का जुडिशरी पे प्रेशर है, पूरा कंट्रोल है भाजपा सरकार का। आपको क्या लगता है कि आपको इस सिस्टम में न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस सिस्टम में? जब तक आप लड़ोगे नहीं, बस हम लोगों का एक ही काम रह गया कि 85% है, हम आज के सेंसस के हिसाब से हम 92.5% है। कहां पे हम 92.5%? सड़कों पे है, सरकार हमें बांटती है, वर्गीकरण करके विभाजन किया। हम लोगों को जो हमारा हक है, अधिकार, वो नहीं देना, लेकिन ये बताना कि इसका अधिकार वो खा गया। कितनी 2014 के हिसाब बाद से आपने देखा कि गरीबी, भुखमरी, हेट्रेड, निकम्मापन, जितना युवाओं को भड़काना और उग्र का माहौल बढ़ गया। तो मेरी सबसे यही कहना है कि जितने भी लोग आज अपनी सलाह देकर जाएं, आज अपना बताकर जाएं हमें कि किस तरीके से इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है, और हम लोग, कोई भी पार्टी बचेगी नहीं। मैं प्राजा सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक मेमोरेंडम लेके, अगर वो बहुत बड़े लोग हैं पार्टीज वाले विपक्षी, तो हम उनके पास चलते हैं। अगर उनके अंदर इतना एटीट्यूड और इतनी अकड़ है कि हम लोगों के पास इतना जन अधिकार और इतना वोट है, अगर आप लोगों को शर्म नहीं है कि सड़कों पे आना है, तो हम लोगों का पूरा डेलीगेशन आपके पास आएगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा, शर्म करो, सड़क पे आओ, क्योंकि अगर तुम लोग सड़कों पे नहीं आओगे तो हम जैसे युवा का भविष्य जो है वो अंधकार में है, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी नहीं, नस्लें गुलाम पैदा होंगी। आज भी यहाँ एक एक जागरूक बंदा आया अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, और जागरूक लोग ये नहीं देखते कि भीड़ इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही, ये नहीं देखते कि पड़ोसी जाएगा वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, जिसको अपना घर बचाना, भाई आग मेरे घर में लग रही है, जल मेरा देश रहा है, तो मेरे को दर्द होगा तो मुझे इसको संभालना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हम सारी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे, चाहे वो विपक्ष की आज सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो बनी है, उसके बाद जितनी भी पार्टीज हैं, बहुजन समाज पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी, उनके पास जाएंगे, उसके बाद जितनी भी और पार्टीज हैं रीजनल लेवल पे, सबके पास जाया जाएगा और उनको बोला जाएगा इस मुहिम में आओ, सड़कों पे निकलो, साथ दो और इस सरकार का तख्ता पलट करो, और उन 92% लोगों की सरकार बनाओ, उन अम्बेडकरवादियों की सरकार बनाओ जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिनके दादा परदादा इस देश में अपने खून पसीना बहाया है। और मैं प्राउडली ये बात कह सकती हूँ क्योंकि मेरे दोनों के दोनों ग्रैंड पेरेंट्स फौजी थे, फौज में थे, मैं उस परिवार से आती हूँ जिन्होंने वो कुर्बानियां देखी है, जिन्होंने ये दर्द तकलीफ सहा है, इस देश से प्यार किया है। और मुझे ये लगता है हम सब, अगर जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये संदेश यहाँ से लेके जाएंगे, अगला प्रोग्राम का कॉल आपको एक हफ्ते के अंदर मिलेगा, और हम किसी का इंतजार नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है दलालों की, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो चंदाखोर लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ की जो गरीब लोगों को बड़ी बड़ी भीड़ लगाएंगे, भड़काएंगे और ऐसे प्रोग्राम करके चले जाएंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम डंके की चोट पे अपने दम से कहते हैं कि हम संसद में भी ये लड़ाई उतनी ही मजबूती से लड़ रहे हैं जितनी मजबूती से सड़क पे लड़ रहे हैं। आपने देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो प्रदर्शन, उस केस में नो FIR मेरे पे हुई लेकिन सर नहीं झुकाया, वहां से हमारा धरना हटाने के लिए 144 लगा दी कि ये लोग बैठ ना सके, लेकिन फिर भी हम हारे नहीं, उतनी मजबूती से हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो जो मेरा भाई बहन चाहता है, हम ईमानदारी से, मजबूती से,
भाजपा से जो लोग दुखी हैं लड़े उन सबको सड़क पे आना होगा और अगली बारी भारी संख्या में हम लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर थोड़ी देर में अभी औरों को सुन के थोड़ी देर में फिर आपके बीच में आऊंगी और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इनिशिएटिव लिया और इस लड़ाई को पूरी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे जब तक ईवीएम पूरा खात्मा नहीं कर देते और चुनाव होगा तो पेपर बैलेट से होगा। और ये चीज याद रखना और घर जाके आपके माँ बाप से पूछना कि जब जब पेपर बैलेट से जब चुनाव हुआ होगा तब तक हमारी सरकारें बनी होगी, तब तक हमारा राज रहा होगा। और आज ईवीएम से चुनाव आया तो चोरों की सरकार आई। शुक्रिया साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।